तो गाइस मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट दिखाया करो, और जो जो सपोर्ट कर रहा है उसके लिए थैंक्स सभी को। और वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, एस वर्सेस हिज डेट पार्ट 47। तो टोबियस ने ऐश को बोला था, ऐश मैं तुमसे बैटल करूँगा अब। तो टोबियस स्टेडियम में आ जाता है और ऐश ने रेड को हरा के यूनिवर्स चैम्पियन बन चुका था, और टोबियस ऐश से बैटल करना चाहता था और ऐश भी उसके साथ बैटल करना चाहता था, क्योंकि ऐश ने अभी तक टोबियस को नहीं हरा पाया रहा था। तभी तभी रेड बोलता है, ठीक है मैं इस मैच का रेफरी रहता हूँ। और सभी सारे के सारे मास्टर रेड ट्रेनर्स बैठ जाते हैं, ऐश के दोस्त और ऐश के फैंस सब स्टेडियम में ऐश ऐश के चिल्लाने लगते हैं। तभी लियोन और ऐश के डैड भी वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। तभी रेड बोलता है, ऐश तुम टोबियस को तो नहीं हरा पाओगे, मुझे पता है। तभी ऐश को पता चल जाता है कि टोबियस भी एक यूनिवर्स चैम्पियन है। तभी ऐश अपने फुल पावर से बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी टोबियस बोलता है, ऐश तुम अपने पोकेमन को हील कर सकते हो। तभी ऐश अपने सारे पोकेमन को हील अप कर लेता है और फर्स्ट में पिकाचू को निकालता है और कहता है, ठीक है टोबियस मेरा फर्स्ट पोकेमन पिकाचू है, तुम अपना निकालो। तभी टोबियस अपने फर्स्ट पोकेमन की तरफ से लेटियस को निकालता है और ऐश इस बार फिर से लेटियस को देख के घबरा जाता है और पिकाचू का बदला लेटियस लेने के लिए लेटियस भी बहुत गुस्से में दिखता है और ऐश अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट करने बोलता है। तभी टोबियस अपने लेटियस को ड्रैगन रश करने बोलता है, तभी ये ड्रैगन रश सीधा पिकाचू को हिट हो जाता है और पिकाचू एक हिट से बहुत डैमेज पहुंच जाता है और ऐश इसको देख के बहुत शॉक में पड़ जाता है और सारे स्टेडियम के लोग हक्के बक्के हो जाते हैं कि पिकाचू जैसे पोकेमॉन एक हिट से नॉकडाउन हो रहा है। तभी ऐश अपने पिकाचू को फिर से इलेक्ट्रोबॉल करने बोलता है। तभी उधर से टोबियस अपने लेटियस को ड्रैकोमीटियर करने बोलता है और इस अटैक वो पिकाचू को हिट हो जाता है और पिकाचू का इलेक्ट्रोबॉल भी लाटियस को हिट हो जाता है और लाटियस भी थोड़ा डैमेज पहुंच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ड्रैकोमीटियर से पिकाचू बचने की कोशिश करता है क्विक अटैक करके, पर एक दो ड्रैकोमीटियर हिट हो जाता है और पिकाचू बहुत डैमेज पहुंच के नीचे गिर जाता है। तभी ड्रैकोमीटियर हटने के बाद रेड कहता है कि पिकाचू अब लड़ नहीं पा रहा, इस मैच का विनर है लाटियस और ऐश का पिकाचू हार गया है। तभी ऐश इस बार देख के बहुत शॉक हो जाता है और बहुत घबरा जाता है अपने पिकाचू को हरा हुआ देखकर। तभी ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन की तौर पर ग्रीनिंजा को निकालता है। तभी टोबियस अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन को निकालता है, इसको चेंज करके डार्करय को। तभी इस ऐश डार्करय को देख के और ज़्यादा घबरा जाता है और सारे स्टेडियम के लोग घबराने लगते हैं, खासकर सिंथिया जिस वो मैच को देख रही थी, वो भी सोचने लग रही थी ऐश अब कभी जीत नहीं पाएगा। तभी ऐश अपने पूरी ताकत से ग्रीनिंजा को कट इस्तेमाल करने बोलता है। तभी उधर से टोबियस अपने डार्करय को डार्क पल्स इस्तेमाल करने बोलता है। तभी दोनों का अटैक टकरा जाता है और ग्रीनिंजा का कट करने से पहले ही डार्करय अपने डार्क पल्स से ग्रीनिंजा को नॉक कर देता है और बहुत डैमेज पहुँचा देता है। ग्रीनिंजा बहुत डैमेज पहुंच चुका था एक अटैक से और ऐश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, उसके सारे के सारे पोकेमॉन एक अटैक से ही बहुत डैमेज पहुंच रहे थे। तभी ऐश को गुस्सा आ जाता है और ऐश अपने ग्रीनिंजा को जाइंट शुरिकन करने बोलता है। तभी ये जाइंट शुरिकन देख के टोबियस भी थोड़ा खुश हो जाता है और मुस्कुरा के बोलता है, ऐश मुझे पता था तुम अपने ग्रीनिंजा को ये अटैक बोलोगे, इसलिए मैं पहले से तैयार हूँ। डार्करय फोकस ब्लास्ट, तभी डार्करय का फोकस ब्लास्ट बढ़ रहा था, बहुत बड़ा हो रहा था। तभी ये अटैक दोनों के टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और स्मोक निकलने लगता है चारों तरफ, तभी किसी को दिखाई नहीं देता। और स्मोक हटने के बाद देखते हैं कि ग्रीनिंजा नीचे गिरा हुआ है और डार्करय अभी तक वहीं पर खड़ा था। तभी इस बार ऐश इसको देख के बहुत घबराने लगता है और सारे स्टेडियम के जितने भी लोग थे वो टोबियस के सपोर्ट में चले जाते हैं, टोबियस कह के, और ऐश के फैन और ऐश के दोस्त तो ऐश के साथ ही थे। तभी ऐश अपने ग्रीनिंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन में लाने की कोशिश करता है, पर इस बार ग्रीनिंजा पता नहीं क्यों बॉन्ड एवोल्यूशन में नहीं जाता और वहीं पर फेंट हो जाता और रेड बोलता है ग्रीनिंजा भी हार चुका है। तभी ऐश को बहुत गुस्सा आने लगता है और बहुत
हैरान भी होता है कि उसका सारे के सारे ओवर पावर पोकेमोन हार रहे हैं, तभी एस के पास एक ही पोकेमोन बचता है और लास्ट चांस बचता है, जो कि वो अपने